हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुशी कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और टाइम हो गया है 3:30, ये चले गए हैं ऑफिस और मैंने स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग, क्योंकि मॉर्निंग में ब्लॉग बनाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने अब सोचा है कि मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग में ही ब्लॉग बनाऊंगी, बट आप लोगों से कनेक्टेड रहूंगी इस तरीके से, जिससे मुझ पर भी प्रेशर नहीं आएगा और आप लोगों से मेरी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी एक ईजी वे में। और जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से ए और बी का एग्जांपल देके, तो बहुत से लोगों ने सिर्फ उसमें ना लिखा हुआ है कि हाँ ए सक्सेसफुल रहेगा या ए बेटर करेगा, बट रीजन नहीं बताए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग रीजन भी बताओ, क्योंकि आप जो भी रीजन अपने माइंड से सोच के बताओगे वो आपके लिए ही होगा। मतलब आप इस चीज का एक मैजिक देखो, आप जो भी रीजन बताओगे ना वो पर्टिकुलरली आपका होगा और आपको ही उसके थ्रू हेल्प मिलेगी अपना आगे काम करने में। क्योंकि जो 3-4 लोगों ने रीजन बताए भी हैं, उन्होंने भी थोड़े थोड़े डिफरेंट रीजंस बताए। तो हमें अपनी थॉट्स को निकालना है अपने दिमाग से और उनको अपने प्रेजेंट में लेके आना है और उनसे अपना काम करवाना है, मतलब खुद से हमें काम करवाना है। ये चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि हमें खुद से मैक्सिमम और अच्छे से अच्छा काम करवाना है। तो चलो अब मैं चाहती हूँ अपनी रीडिंग करने के लिए। हो गया है, मैं उसको सुला करके आ गई हूँ आराम से। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आप लोगों से इंग्लिश के बारे में कुछ बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ना अब जो अनमैरिड गर्ल्स भी है ना वो भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और है कुछ लोगों की क्वेरी कि हमको इंग्लिश नहीं आती तो हम क्या करें। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बारे में मैं बात करती हूँ आज आप लोगों से, और मैं अपना ये कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। आज मेरा फाइनली लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगी, बस अपेंडिक्स रह जाएगी। तो वो अपेंडिक्स तो ऐसी चीज है जो थोड़ा रटने वाली चीज है, बट स्टिल उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तब वो मेमोराइज हो पाएगी। तो मैं उसको एक बार रीडिंग दे दूंगी, और नेक्स्ट मंथ से जून में तो मुझे इकोनॉमिक्स अपनी करनी है कवर, तो उस पर मुझे लगना है। और आप लोग प्लीज, अगर कोई भी इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं भी चेकआउट कर लूंगी। और कुछ नेम्स आप लोगों से मुझे मिल जाएंगे तो मुझे रेफर करने में इजी रहेगा, और नहीं पता कोई बात नहीं, मैं खुद तो सर्च करूंगी, बट स्टिल अगर किसी को पता है और कोई कर रहा है तो प्लीज आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती थी, जैसे यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट्स के बारे में बात हुई है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ए चाइल्ड बॉर्न इन केरला टुडे कैन एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्गर देन ए चाइल्ड बॉर्न इन वॉशिंगटन। ठीक है, तो ये हमारी अचीवमेंट दिखा रहा है, हमारी कंट्री की अचीवमेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बिटवीन 1951 एंड 1995 फ्रॉम इतना इतना टू इतना इतना, मतलब ये डबल से भी ज्यादा हो गया। नियरली 95% ऑफ द विलेजेस हैव ए प्राइमरी स्कूल विद इन ए वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो पेपर पे तो इतने सारे वर्क हो रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचो, स्पेशली जो ये वाला पॉइंट है ना, 95% ऑफ विलेजेस ए प्राइमरी स्कूल, लेकिन उन प्राइमरी स्कूल्स की हालत क्या है ये हर एक इंसान जानता है। तो पेपर में तो मतलब बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो एग्जिस्ट भी करती हैं, लेकिन फिर ना वो पर्सन पर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जाके वहां पे काम कर रहा है, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वो किस तरीके के हैं। तो एक इंसान अगर अच्छा होगा ना तो वो कहीं भी जाएगा, वो अच्छा काम ही करेगा। इंसान ही अच्छा नहीं होगा तो वो कहीं पे कैसे कोई काम। ये पढ़ के मुझे ये चीज थोड़ा सा लगा कि बुक्स में और हम लोगों के पढ़ने में तो बहुत अचीवमेंट्स हैं, मगर इन रियल वो इसीलिए उतनी प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि लोग सही नहीं है जो काम कर रहे हैं।
इसीलिए कहीं पर भी अगर हमको ऐसा लगता है ना कि हम एक अच्छे इंसान हैं और हम कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। अब जैसे कि बहुत से लोग मुझे देख के ये ना सोचे कि हम लोग टीचिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम भी यूपीएससी ही करने लग जाएं। टीचिंग की प्रिपरेशन करके भी आप इतना अच्छा आउटपुट अपनी कंट्री को दे सकते हो। ये देखिए यहाँ पे जो हालत है गवर्नमेंट स्कूल की, वो सुधर सकती है अगर अच्छे लोग वहां पे जाएं। तो एक सब्सक्राइबर थी मेरी जो कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो इस तरीके से टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है, ऐसा ही कुछ था, बट वो अब यूपीएससी करना चाहती है। मैंने बहुत समझाया तरीके से यूपीएससी में आने की जरूरत नहीं है, आप जो काम करना चाहते हो। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों यूपीएससी करना चाहते हो, क्यों यूपीएससी करना चाहते हो। प्रॉपर तो मुझे आंसर वैसे भी नहीं मिला, लेकिन फिर जब मैंने उन्हें बताया कि आप जो कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात से एग्री हुई। तो जिस भी आप डायरेक्शन में हो ना, अगर आप इंसान अच्छे हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए और अपनी एबिलिटीज को भी देख लीजिए कि मैं कहाँ पे। अब ऐसा ना हो कि किसी दूसरे को देख के आप सोचे कि चलो अब यही करना शुरू कर देते हैं। आप अपना बेस्ट देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। इतनी सारी बुक्स पढ़ लेंगी, इतनी सारी नॉलेज ले लेंगी जब, कि दुनिया किस तरीके से चलती है, हमारी पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है, जो इकोनॉमिक्स है एक कंट्री की वो किस तरीके से चलती है, या वर्ल्ड की किस तरीके से चलती है अर्थव्यवस्था। जब हम ये जानेंगे, पहले जैसे तो नहीं रह जाएंगे हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करेंगे, अपने डिसीजंस खुद लेना सीख पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना शुरू करते हैं। किस तरीके से बेटर वे में हम अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हर एक इंसान ग्रो करेगा जब, तो उससे कंट्री ही ग्रो करेगी इन द वेरी सेंस। तो बिल्कुल भी हारने से तो डरो मत, बस ये सोचो कि बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और मजा आने वाला है। और बाकी जो लोग जिस चीज की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं वो करते रहें और उसमें अपना बेस्ट दे दें, क्योंकि उससे भी वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और जो लोग सिलेक्ट हो या जो लोग ना भी हो, वो लोग भी हार ना माने, अपना काम फिर भी हमें करते ही रहना है। जो भी हमने पढ़ाइयां की है उसको हमको वेस्ट जाने नहीं देना है, कंट्री के लिए किसी ना किसी तरीके से हमको काम आना ही आना है, क्योंकि वैसे ही हमारा एनवायरमेंट इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इकोसिस्टम इम्बेलेंस हो चुका है पूरा पूरा, जानवर इतनी पीड़ा में है, प्रकृति एनवायरमेंट इतनी परेशानी में है इस समय। और उसी चीज का बस ये एक हमको आईना देखने को मिल रहा है कि ये जो कोरोना इस समय आया हुआ है, ये बस इसी चीज का आईना है कि हमारी जो इकोसिस्टम इम्बेलेंस है, मतलब जो हमारी प्रकृति का जो नेचुरल फ्लो है वो खराब हुआ हुआ है। और वो खराब सिर्फ इंसानों ने किया है, क्योंकि कुछ भी करने का जो दिमाग है वो सिर्फ इंसानों के पास होता है। तो जब खराब हो गया है तो हम पहले तो उसको समझें कि वो क्यों खराब हुआ है, और फिर हम उसको सही करने के लिए तभी ही कुछ कदम भी उठा सकते हैं। अगर पर्सनल लेवल पे उठाना चाहें तो पर्सनल लेवल पे उठा सकते हैं, और इस चीज को अपना करियर बनाना चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं, और मास लेवल पे लेके जाना चाहें तो मास लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसी आपकी एबिलिटी हो आप उस तरीके से काम करो।